दोस्तों, हेमा मालिनी को उनकी फिल्मों के अलावा उनके आकर्षक लुक के लिए जाना जाता है। तभी उन्हें इंडस्ट्री में ड्रीम गर्ल का नाम दिया गया है। हेमा मालिनी ने 1968 में अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। उन्होंने सपनों का सौदागर से बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। आज हेमा मालिनी लाखों दिलों पर राज करती है, लेकिन उनका दिल हमेशा से सिर्फ बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र के लिए धड़का है। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से 1980 में शादी की थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के साथ में उनकी दो बेटियां ईशा देओल और आहाना देओल है। लेकिन हेमा से शादी करने से पहले ही धर्मेंद्र प्रकाश कौर से शादी कर चुके थे। प्रकाश के साथ धर्मेंद्र के दो बेटे सनी देओल और बॉबी देओल और दो बेटियां विजेता देओल और अजिता देओल थे। हेमा मालिनी की बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में राम कमल मुखर्जी ने अभिनेत्री की जिंदगी से जुड़े कई किस्से बताए। इन्हीं में से एक हेमा मालिनी की पहली प्रेगनेंसी से जुड़ा है। हेमा मालिनी ने राम कमल मुखर्जी से बातचीत में खुद उस किस्से का जिक्र किया था जब वह पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी और उनकी साथ सतवंत कौर बिना किसी को कुछ बताए उनसे मिलने एक डबिंग स्टूडियो पहुंची थी। इस किस्से को याद करते हुए हेमा मालिनी ने बताया, धर्म जी की माँ सतवंत कौर बहुत ही दयालु और स्नेही थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि कैसे एक बार जब मैंने ईशा को कंसीव किया और उन्हें मेरी प्रेगनेंसी का पता चला था, तो वह जूहू के एक डबिंग स्टूडियो में मुझसे मिलने आई थी। उन्होंने घर में किसी को इसके बारे में नहीं बताया था। जैसे ही वह पहुंची, मैंने उनके पैर छुए। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, बेटा खुश रहो हमेशा। मैं खुश थी कि वे मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थी।